ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर गोरखपुर से, जो पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड अंतर्गत महाराजगंज में तैनात सहायक अभियंता उपेंद्र नाथ चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल में विद्युत कर्मियों की हड़ताल से गुलाबनगर स्थित ग्रामीण व तहसील विद्युत उपकेंद्र की ओर कौड़ीराम खजनी सिकरीगंज बड़हलगंज बटहर चौरी चौरा उपकेंद्र सप्लाई बृहस्पतिवार की रात 10 बजे से ही पूरी तरह से ठप है, जबकि शहर के सभी 11 KV ब्रेकडाउन है। सरकार की तरफ से आदेश है कि विद्युत की कटौती को देखते हुए बाधा उत्पन्न करने वाले विद्युत कर्मचारियों के विरुद्ध एस्मा की कार्रवाई की जाएगी। वही गोला ग्रामीण व तहसील और कौड़ीराम जो चौरी चौरा सहित लगभग पूरा गोरखपुर ग्रामीण के विद्युत उपकेंद्र उपभोक्ता काफी परेशान है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सभी सप्लाई चल रही है। संयम बनाए रखने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों से उन्होंने अपील की है। एक बार फिर से शक्ति भवन में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में हमारे विद्युत कर्मचारियों के कुछ संगठन हड़ताल पे चल रहे हैं और आज एक तरह से तीसरा दिन उनका, अगर समग्र कार्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आज तीसरा दिन चल रहा है। मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को, अपने पूरे विभाग की ओर से UPPCL और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान ना करे, इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, ऑनरेबल MLA हों या MP हों या मंत्रीगण हों, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूरे जो पदाधिकारी हैं, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें। एक बार फिर से शक्ति भवन में खबर। आगरा से जो तानाशाहगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि आगरा पुलिस ने मासूम से दुष्कर्म का खुलासा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि 13 तारीख को मासूम बच्चे से दुष्कर्म किया गया था। वही पुलिस की 6 टीम आरोपी की तलाश कर रही, दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। DCP सिटी विकास कुमार ने जानकारी दी है। यह पूरा मामला तानाशाहगंज नगला पुलिया का बताया जा रहा है। 2023 को एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ थाना सागर क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल अभियुक्त जिसका नाम साहिद उस्मानी पुत्र जहीर उस्मानी निवासी सिंह नगर डाकर वाली गली थाना सागर आगरा है को गिरफ्तार कर लिया है। जब बच्ची वहां सुबह सुबह शौच करने के लिए गई थी, यह व्यक्ति वही मौजूद था और उस बच्ची को देख कर उसे उठा कर ले गया और इसलिए उसने दुष्कर्म किया और जो चोटी भी आई थी इसी ने उसे पहुंचाई थी। इसके बाद से वो फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को मौके पर ले जाकर धारा 27 के अंतर्गत पूरी घटना का वीडियो बनाया है, जिसमें वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने कैसे कैसे घटना की है। और इसके अलावा पुलिस ने उसके जो उस दिन के पहने हुए कपड़े थे उन सबको कब्जे में ले लिया है और उन सबको हम लोग फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज रहे हैं और पीड़िता के सैंपल बरामद किए गए हैं, उसे फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। और इसमें सबके बयानों के आधार पे और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे विवेचना आगे प्रचलित रहेगी और सबका मिलान होने पर इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट लगाया जाएगा और हम लोग जल्द से जल्द सजा दिलाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। 2023 को और यूपी के फरुखाबाद से जो ट्रेन के चपेट में आने से दंपति की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह की पत्नी अनीता बीमार थी। वही दंपति दवा लेने रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल जा रहे थे, जो आतियापुर के पास मालगाड़ी के चपेट में आने से पति पत्नी की कटकर मृत्यु हो गई। बता दें चलो कि मृतिका काफी समय से बीमार थी, जिसके बाद मृतक पति भी बीमार रहने लगा था। मृत्यु की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह पूरा मामला थाना दरवाजा क्षेत्र के हथियापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा है।
दारू मतलब ज्यादा पीते थे, तो अभी होली से तो दारू बंद कर दी, दारू तो नहीं पिए मालूम पड़े, पर ये आए बाएं कुछ बकने लगे मतलब ऐसे। तो इन्हें मम्मी ने जो है अतियापुर, मम्मी और बहू मतलब भाभी मेरी, तो दोनों लोग दिखाने भी गए अतियापुर में, एक दाल भोग करते हैं उन्हें भी दिखाया और दवाई भी ला रहे हैं इनकी। तो पता नहीं क्यों आज सुबह जब निकले तो दवाई के नाम से निकले जाके दवाई लेने जा रहे हैं। श्रीमती राम नहीं, आप इनके कौन हो? हम भैया हैं, छोटे सबसे छोटे भैया। इनके कितने भाई थे? हम तीन लोग हैं, सबसे बड़े सुनील, उनसे छोटे जितेंद्र और सबसे छोटे। इनकी शादी कहाँ हुई थी? इनकी शादी हुई है पुण्यपुर से। इनके बच्चे कितने हैं? पांच बच्चे हैं, जिसमें चार लड़कियां हैं एक लड़का है। मंडी सेमी थी हमारे पास लड़की के लिए, तो उसके बाद जब हम घर पे आए तो पता लगा पुरुष एक महिला उनकी बॉडी ट्रेन से टकराए हालांकि मौके पर पहुंची और जानकारी जितने हैं सभी उनकी उम्र है 40 वर्ष और उनकी पत्नी दोनों साथ में आए थे। तो अपना जो हो रहा है सभी डेथ का बचा के आसपास जानकारी दी, उनके आसपास जो दारू वारू मतलब ज्यादा पीते थे। और यूपी के फरुखाबाद से जो युवा व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष शंकर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुंगी बाजार के व्यापारियों ने बाजार बंदी कर दी और टाउन हॉल तिराए पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और व्यापारियों से भरे धरना प्रदर्शन खत्म करने की बात कही। वे व्यापारी नगर पालिका कार्यालय पर पहुंच गए, जिनको अधिशासी अधिकारी ने थाना मऊ दरवाजा प्रभारी से वार्ता कर आश्वासन दिया है कि 30 मार्च तक निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके बाद व्यापारियों ने धरने को खत्म किया है। इस मौके पर सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। चुंगी बाजार के व्यापारियों ने अपना व्यापारी बाजार भी बंद करा है और उसके हम लोगों ने धरना दिया है। हमारी मांग ये है कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द कराया जाए, इसको लेकर के हम लोगों ने आज धरना दिया है। आज ये साहब ने और कलेक्टर साहब ने हमारे थाना मऊ दरवाजा के आश्वासन दिया है कि 29 तारीख तक ये सड़क निर्माण कार्य हो जाएगा और हम लोगों ने व्यापारियों ने कहा अगर 29 तारीख तक अगर ये निर्माण कार्य नहीं होता है तो हम लोग यहीं पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे। और चुंगी बाजार के यूपी के फरुखाबाद से जो निजीकरण का विरोध कर रहे विद्युत कर्मी फिलहाल 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। बता दें कि हड़ताल के केवल 12 घंटे में ही जनपद भर की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। इसके साथ ही अधिकतर फीडर और उपकेंद्र फॉल्ट के चलते बाधित हो गया है, जिससे आम जनमानस के सामने पेयजल संकट भी पैदा हो गया। इसके साथ ही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा निजीकरण का विरोध कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मतलब महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हड़ताल हुई थी और जन जागरण अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जो है माननीय ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी द्वारा एवं मुख्यमंत्री के श्री अवनीश अवस्थी द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे उनको बैठते और साथ में जो है संगठन के पदाधिकारी बैठते एक समझौता हुआ था। वो 12 शर्तों पर समझौता हुआ था और उस समझौते को ये कहा गया था कि ये समझौता आपका विधिमान है, इसमें 15 दिन में जो है कार्यालय आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी हम लोग धैर्य से जो है सारे काम करते रहे। इसके बाद में बीच में रिमाइंडर दिए गए, लेटर भी दिए गए, इसके बाद जो है फिर जन जागरण अभियान शुरू किया गया और एक धैर्य पूर्वक हम लोग करीब जो है 3.5 महीना का लगभग टाइम पीरियड बीतने के उपरांत इंतजार करते रहे। आपकी क्या क्या मांगे हैं? मांगे जो कि एजेंडे में दिया गया है 12 सूत्री, फर्स्ट स्टेज पे तो संविदा कर्मियों का है जो बेचारे 8,000 रुपए में पूरा वर्क निपटाते हैं और 24 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। ये प्रबंधन ने भी माना है कि जो भी आपकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल सशर्त बिल्कुल सही है, ये आपका हक है। ये मांगे जो है हम यथोचित तरीके से कार्रवाई करके ऑर्डर निर्गत कराएंगे। जिले में कितने फीटर बंद हैं? इस समय करीब 95% फीटर बंद हो चुके हैं, 2-1 कहीं ना कहीं संचालित है। मेरा मानना है चार जगह के बंद है सर, जैसे भोलेपुर में फीटर बंद है, गुतासी से। खबर यूपी के बिजनौर से, जो रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में नीरज कुमार जादौन को पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई। बता दें कि अनुशासन एक रूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
औरंगाबाद मध्य प्रदेश के धार से जो विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने दिव्यांग महिला को अपने जन्म दिवस पर नए घर का तोहफा दिया। आपको बता दें कि धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत कांग्रेस विधायक हनी बघेल ने अपने जन्म दिवस को मनाया। वह अनूठे अंदाज में गरीब आदिवासी दिव्यांग महिला को नए मकान का फीता काटकर चाबी सौंपी। बता दें कि जिस महिला को विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के द्वारा मकान दिया गया है वह नेत्रहीन दिव्यांग आदिवासी महिला है और अभी तक महिला को प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास का लाभ तक नहीं मिला, जिसको लेकर कुछ दिनों पूर्व महिला ने क्षेत्रीय कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल से निवेदन किया था। उसके बाद ही सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने विकलांग नेत्रहीन महिला को अपने निजी खर्चे से ये मकान जन्मदिन के उपलक्ष्य में सौगात दी है। मेरे विधायक भैया ने एक दिन जा रहे थे, मैंने बोला कि भैया आप व्यवस्थित से मेरा मकान नहीं है, अभी तक मेरा बना नहीं है और मैं गरीब हूँ तो मेरे लिए कोई व्यवस्थित नहीं है गांव में, तो आप कर सकते और ये मदद मैं आपसे मांगती हूँ करके मैंने बोला भैया को, तो भैया ने बोला उसी दिन कि हाँ बेन तेरा ये पूरा काम हो जाएगा। ग्राम तलावड़ी वाले सुरेंद्र बघेल मेरे भैया, तो उसकी खुशी में आज मेरा पूरा सहल मेरी खुशी और मेरे बाल बच्चे और सब खुशी मिल गई है मुझे और आगे भी मुझे खुशी और भी मिलना चाहिए और मेरे भैया को भी यही आशीर्वाद है मेरा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने मुझे और कुक्षी की जनता ने इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया कि आदिवासी समाज की मैं सेवा कर सकूं। भूरी भाई हमारी नेत्रहीन दिव्यांग महिला है, आदिवासी महिला है। एक दिन मैं यहाँ से गुजरा तो बहन ने मुझे रोका कि भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और रहने का मेरा आसरा नहीं है, आप दो कमरे का कम से कम मुझे मकान बना के दे दो। तो मैंने उसी तरह प्रण लिया कि मेरे जन्मदिन के तक बहन भूरी भाई को मैं मकान बना के दूंगा ताकि वो उस दिन उसको गृह प्रवेश करे, अपने बच्चों के साथ में रहे। ईश्वर से भूरी भाई के लिए और उनके बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ कि इस परिवार में सुख शांति और घर में सदैव शांति बने रहे और उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करें। मेरा अल्लाह है। खबर ज्योति के कानपुर से जो सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में FIR के बाद कोर्ट में पेश किए गए। इस मामले में मुख्य गवाह लेखक और वादनी की गवाही रिकॉर्ड की जाएगी। आपको बता दें कि तबियत खराब होने की वजह से वादनी के आने की संभावना कम। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर सपा विधायक ने कहा है कि मैं कोई अपराधी नहीं, मुझे मीडिया से बात करने क्यों नहीं आने देते और अगर मेरा इस्तीफा चाहिए तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरा अल्लाह है और जब तक ऊपर वाला है मेरे साथ इंसाफ हो गया। अब धक्का की ए तो यार इनके खिलाफ तुम लोग नहीं चलाते, ये धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले? हम विधायक है या अपराधी है, आतंकवादी है क्या हम? ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम क्या है, धक्का मारा करते हमें? चल रहा है भाई बात ना कर, यार तुम लोग क्यों आते हैं बात नहीं करने देते, क्यों बुलाते हो तुम लोग को, ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हुए, हम आदमी है जानवर है, बंदर हो गए हम, गधे हो गए भैया। इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? मेरा अल्लाह है और जब और झारखंड के कोडरमा से जो जिला में मसमोहना पंचायत भवन में एरिया मैनेजर विमलकांत झा के नेतृत्व में बैंक ऑफ इंडिया मसमोहना शाखा के द्वारा स्थायी लोक अदालत का आज आयोजन किया गया। इस स्थायी लोक अदालत में केसीसी मुद्रा आदि ऋण का बैंक के आकर्षण योजनाओं द्वारा समझौता किया गया। आपको बता दें कि स्थायी लोक अदालत में जो ऋण अदारक एक मुफ्त समझौता राशि जमा की है उसे एरिया मैनेजर और LGM अजय कुमार राणा के द्वारा संयुक्त रूप से नो ड्यूटी सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। जो कि हम लोग जाकर के हम उसके तहत एनपीए जो भी खाताधारी हैं उनको मैक्सिमम रिलैक्स करने का उनको हम प्रयास कर रहे हैं। उनके अकाउंट में हमको बैंक भी चाहता है कि पुराने खातों को हम बंद करें ताकि नए आदमी को फिर से हम लोग दे सके, पुराना कर्जा मेरा जब खत्म होगा तब नए कर्ज को हम दे सकते हैं और इसी के तहत आज हमने यहाँ पर कैंप लगाया है और सारे के सारे ग्राहकों से हम फिर से हम जो है शिविर के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि आप यहाँ पर पुराने खातों को यहाँ पर निपटारा किया है क्योंकि हम बहुत ही कम शब्दों पर बहुत ही सुलभ शब्दों पर हम यहाँ पर खातों को यहाँ पर निपटारा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर आएंगे और अपने अपने सामने खत्म करेंगे अपने निपटारा करेंगे। स्थानीय लोक अदालत का बैंक ऑफ इंडिया के संयोजन से इसमें रोटी माफिया से संबंधित बहुत लोगों का और पहले से कुछ एनपीए खाताधारक थे उसका संबंधित कुछ समस्या था उसको वहाँ के एनपीए कमिश्नर और एरिया मैनेजर के माध्यम से उसको शाम किया जा रहा है और लोगों ने इसे रखा। फिलहाल के खबरों में इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
the power of angel.